स्टडी आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अल्जेब्रा का पार्ट टू। पार्ट हम वन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया हुआ है, तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एफकैट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में लगभग टोटल जो हमने वीडियोस दी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए वो सभी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। और अगर आपने एफकैट मैथ की सीरीज नहीं देखी है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें लगभग 50 से 60 वीडियोस हैं और वहां से आपका मैथ जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो फिलहाल जो है हम पार्ट टू सॉल्व करेंगे अलजेब्रा का और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं और किस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 29th क्वेश्चन है। इफ द प्राइस ऑफ किरोसिन बाई रेस्ड बाई 9%, फाइंड हाउ मच परसेंटेज अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ किरोसिन सो दैट नो टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। कि जो प्राइस है किरोसिन का वो 9% इंक्रीज हो गया, तो हमें बताना है कि जो हाउस होल्डर है उसको अपना कंजप्शन कितना डिक्रीज करना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो बना रहे, यानी कि जितना था उतना ही रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। ठीक है, तो यहां पे हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए इंटू 100। ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंक्रीज कितना हो रहा है, 9% अपॉन, तो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 9, 109 इंटू 100, तो हमारा डिक्रीज वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको कट करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 900 अपॉन 109%, तो कट करके आ जाएगा ये 8.25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 65 पीपल फ्रॉम अ स्कूल एंटर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन एंड 80% ऑफ देम पास्ड। देखिए टोटल जो स्टूडेंट हैं वो है 65, 65 में से पास कितने हो रहे हैं, 80% हो रहे हैं, तो हमने कट कर लिया, 0 से 0 कट हो गया, 5 से आ जाएगा ये 13 एंड 5 से आ जाएगा ये 2 और 2 से आ जाएगा ये 4 एंड 52। ठीक है, इसका मतलब है जो टोटल स्टूडेंट हैं वो है 65 फर्स्ट स्कूल के लिए और उसमें से पास हो रहे हैं 52 स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड स्कूल के लिए टोटल कितने हैं, सेकंड स्कूल के लिए कहा है कि अनदर स्कूल एंटर 10 मोर पीपल देन द फर्स्ट स्कूल, यानी कि 75 होंगे। ठीक है, ये बात हो रही है अब सेकंड स्कूल की, 75 टोटल होंगे और पास कितने हुए, फर्स्ट स्कूल एंड 4 मोर पीपल पास्ड, यानी कि 4 बच्चे ज्यादा पास हो गए, यानी कि 56 पास हो गए। तो अब यहां से आप लिख सकते हो सेकंड स्कूल की परसेंटेज बतानी है हमने, पास परसेंटेज, तो सेकंड स्कूल के लिए 100% कितना है, सेकंड स्कूल के लिए 100% है 75 और हमने बताना है 56 कितना बनेगा कि, तो 75 आ जाएगा आपका यहां पर। 5 से कट करेंगे या 25 से कट कर लेते हैं, 25 3 जो 75, 25 से 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 56 इंटू 4 बाई 3, तो कट करके ये आ जाएगा हमारे पास 74.6%। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो आंसर आ गया हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन RS 1250 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनुअम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप पूछ रहे थे डाउट सेक्शंस में कि किस तरह से करना है हमने इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए 31 क्वेश्चन है हमारे पास है 1250। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो रेट इंटू टाइम नहीं कर सकते यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1250 रुपए है, 2 साल के लिए बताना है 4% के हिसाब से। अगर 1250 रुपए पर पहले साल 4% ब्याज मिलेगा तो वो कितना बन जाएगा, 104 बन जाएगा, 104 बटा 100। ठीक है, दूसरे साल फिर से ब्याज मिलेगा बिकॉज कंपाउंडेड ईयरली है ना, हर साल कंपाउंड हो रहा है वो, तो अगले साल फिर से 4% मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 104 बन जाएगा। ठीक है, तो बस कट कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल है, 25 से कट करेंगे, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 5 से कट कर सकते हैं इसको, 2 आ जाएगा, 5 से इसको कट कर लेंगे, 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और फिर 2 से कट कर लेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 2 से कट कर लेंगे 13 आ जाएगा, तो 104 इंटू 13 तो ये कितना बन जाएगा, 1352, तो 1352 रुपीज आ जाएगा हमारा। अब अमाउंट ही पूछा है हमसे, अगर हमसे इंटरेस्ट पूछा होता तो 1352 में से 1250 माइनस कर लेना था, लेकिन हमसे अमाउंट ही पूछा है तो हमारा फाइनल आंसर यही है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ सम ऑफ आर एस 3200 इज लेंट आउट इन टू 2 पार्ट्स, वन एट 6% एंड अनदर एट 4%। इफ द टोटल एनुअल
इनकम इज 176, फाइंड द मनी लेंट एट 6%। देखिए सम ऑफ मनी जो है वो किस तरह से दी जा रही है, 3200 में से दो पार्ट में होगी, तो हम मान लेते हैं एक एक्स में होगी या और एक दूसरी जो होगी वो 32 - x में होगी। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे इनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और एक दूसरे वे से भी हम कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों वे से आपको हिंट दे देता हूँ, एक से मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा, एक से मैं आपको हिंट देता हूँ कि कैसे आपने सॉल्व करना है। मान लो 3200 है, ठीक है, आपके पास 3200 रुपीज है, एक पार्ट हो गया एक्स जो आपने दिया 6% पर, और दूसरा पार्ट हो गया 3200 - x जो आपने दिया 4% पर। तो आप लिखेंगे कि x इंटू 6/100 प्लस 3200 - x इंटू 4/100, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपका 176, क्योंकि टोटल जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 176 पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे और सॉल्व कर लोगे। एक तो ये मेथड हो गया, तो इसको आप सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी लेंथी बड़े वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक और तरीका है, ठीक है, दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आपके पास है कि 3200 है, आपको पता है कि अगर हमें एवरेज मिल जाए तो हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि टोटल जो पूरे अमाउंट पर जो हमें इनकम के हिसाब से जो इंटरेस्ट पड़ा है वो जो परसेंटेज में अगर हमें मिल जाए तो हम वहां से फाइंड कर सकते हैं कि रेशियो क्या आएगी हमारी। तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 3200 का सम था, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी थी, 100% की वैल्यू है 3200। ठीक है, हमने निकालना है कि 176 जो पूरे साल में पड़ा है वो परसेंट में कितना आएगा। 3200 हमने नीचे लिख लिया, 0 से 0 कट हो गया, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, तो ये आ जाएगा 5.5%। ठीक है, बस ये चाहिए था हमें, 5.5% मिल गया। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमारे पास है दो अमाउंट है, एक हमने दिया 6% पर, एक हमने दिया 4% पर, और दोनों का एवरेज कितना बैठ रहा है पूरे साल में, 5.5%। तो यहां से हम रेशियो निकाल लेंगे उसी तरह से, तो 4 और 5.5 में कितना डिफरेंस है, 1.5% का, और 5.5 और 6 में कितना डिफरेंस है, 0.5 का। कट करेंगे इनको, रेशियो क्या आ जाएगी, 3:1, यानी कि अगर ये 3x है ये 1x होगा, तो 3 + 1 4x, टोटल अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 3200। हमने निकालनी है कि 6% पर कितना दिया है, तो 6% पर दिया है ये वाला 3x, तो 3x की वैल्यू निकालनी है। 4x आ जाएगा हमारा यहाँ पर, x x कट हो गया, 4 से आ जाएगा 800, 800 * 3 2400, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2400। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इजी वे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में है, श्रीनिवासन इन्वेस्ट टू इक्वल अमाउंट्स इन टू बैंक्स गिविंग 8% एंड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ईयर द इंटरेस्ट अर्न इज Rs 1500, फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन ईच। इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है वो, तो ये थोड़ी अच्छी बात है, बिकॉज अगर अगर वो इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करेगा तो फिर हम दोनों जगह एक्स रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स पर जितना कि 8% मिला प्लस दूसरे बैंक में एक्स पर जितना 12% मिला, वो पूरा का पूरा मिलाकर 1500 रुपए बन गए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा 8x प्लस ये 12x, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 ये है, 2 00 ये लगेंगे, 00 ये लगेंगे, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो अपॉन 20, 0 से 0 कट हो गया, और 2 से आ जाएगा आपके पास 7500, पर यहाँ पे ओनली 00 लगेगा बिकॉज एलसीएम लेकर जाएंगे वहां पे, तो ओनली 7500 आएगा, सी आंसर। ठीक है, यहां पर ये मैंने पहले प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, अगर मल्टीप्लाई किया फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का सम है 1500, तो यहाँ पे 100 और 100 का एलसीएम लेंगे, 100 ही आएगा, 100 उस तरफ ले जाएंगे तो 00 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 7500। और ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पहले भी करवाया पार्ट वन में। चलिए 34 है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्वर्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इज 1/5 ऑफ द इट्स प्रिंसिपल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना होता है, 1/5 × 100%, यानी कि 20%, तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 20%। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम,
तो वहां से रेट क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा 20% अपॉन टाइम। टाइम कितना है, हमें दिया है एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो 20 अपॉन 4 कितना आ जाएगा रेट, 5%। आंसर आ जाएगा हमारा 5%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमारे ये रेट इनटू टाइम वाले मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अ सम ऑफ 2600 इज लेंट आउट इनटू टू पार्ट्स, वन एट 9% एंड अनदर एट 7%। इफ द टोटल एनुअल इनकम इज आर एस 206, फाइंड द मनी लेंट एट 7%। सेम ही हो गया, आपके पास 100% की वैल्यू कितनी है, 2600, और आपने निकालनी है 206 की। ठीक है, तो 2600 आ जाएगा आपका यहां पर। 00 से 00 कट हो गया, और कट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा आपके 2 से आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 2 से 2103, और अगर इसको कट करेंगे तो 103 अपॉन 13, 13 से कट करेंगे इसको तो 7, और 120 बनेगा तो 9। लगभग ज्यादा पॉइंट में आएगा ये, तो फिर जो है हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज 30 आ जाएगा, फिर जो है प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक इस तरह से अब प्रॉपरली कट नहीं हो रहा है, तब हमें प्रॉब्लम है, तब हमें दूसरे मेथड से ही करना चाहिए इसको। ठीक है, इस चीज को समझना है कि अब हम दूसरा मेथड क्यों यूज करेंगे, बिकॉज जब कट कर रहे हैं तो 7.9 आगे भी चलेगा ये यूनिट प्लेस, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा जो हमारा आंसर आएगा अगर हमने 7.9 पर ही छोड़ दिया इसको। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम करेंगे, हाँ अप्रोक्सीमेट से हमें आंसर मिल जाएगा अगर हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1400 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1200 है, तो कम से कम 200 का फर्क तो है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट के लगभग आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं तो आपने ध्यान रखना है प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी, लगभग आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो पहली थी हमारे पास 7% के हिसाब से, दूसरा जो सम है वो है 9% के हिसाब से, एवरेज आ रहा है लगभग लगभग 7.9, जिसको हम 8 लिख लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही तो वैल्यू निकालनी है हमने। तो 7% और 8 इसमें कितना डिफरेंस है, 1% का, और 8% और 9 इसमें कितना डिफरेंस है, 1% का, यानी कि रेशियो क्या आएगी, 1:1। तो 2x बन जाएगा, ये 1x बनेगा, ये 1x बनेगा। ठीक है, इस पर भी 1x, इस पर भी 1x, तो लगभग जो है 2600 का हाफ करेंगे 1300, तो 1300 के नजदीक कौन है इनमें से, तो 1300 के नजदीक है हमारे पास 1400, तो आंसर तो हमारा 1400 वैसे ही आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाफ हाफ आना ना, 2x की वैल्यू आ जाएगी 2600, हमें 1x की निकालनी है, तो लगभग 1300 के आसपास आ रही है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। अब अप्रोक्सीमेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कम डिफरेंस आएगा, तो 1400 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आप दूसरे मेथड से भी करके देख लीजिए, 1400 ही आएगा आपके पास। तो कई बार हमें जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही पड़े, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए जो आप कर रहे हो, फिर आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 70% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए इलेक्शन हो रहा है, मान लो टोटल लोग हैं 100%, उसमें से 70% तो आए वोट डालने, 30% आए नहीं। अब जो 70% आए थे उसमें से 98% वोट सही रही, 2% इनवैलिड हो गई। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट गॉट 7203 वोट्स, विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। अब जो ये वैलिड वोट है ना, उसका 60% एक कैंडिडेट को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 7203 वोट्स है। बस ये टेबल आपको अगर क्लियर हो जाता है, अब ये 7203 वैल्यू आ रही है इस लाइन में, तो बस ये लिख लेंगे। ठीक है, 100% की वैल्यू या आपको निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। देखिए 100% है, ठीक है, 100% का 70% लिया, फिर 70% के बाद ये वाला 98% लिया, फिर 98 के बाद लिया हमने 60%। ठीक है, और इसको आप एक्स मान सकते हो अब, ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए, 100% को मैंने एक्स मान लिया, इज इक्वल टू टोटल वोट्स कितनी है, 7203, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7203 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 70 इंटू 98 इंटू 60, 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है,
और बाकी अगर हम कट करेंगे तो और जो कट हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे पास 7 to 9 + 3 = 12, यानी कि 6 से कट हो जाएगा, 3 2 = 6, और 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 0 1, और इसको कट कर सकते हैं हम 14 से, या फिर हम 98 से अगर इसको कट करना चाहें, ठीक है आप इसको कट कीजिए, पूरा पूरा कट हो रहा है ये, और ये आ जाएगा आपके पास 17,500, ठीक है पूरा पूरा कट हो रहा है ये, सभी आपस में कट हो जाएंगे, तो 17,500 जो है हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36 का आ जाएगा हमारे पास 17,500। बस आपने ये लाइन लिखनी है कि अगर टोटल वोट्स 100% है जिसको हमने एक्स मान लिया, तो बस एक लाइन जिसमें वो आंसर आ रहा है उस लाइन में जाना है आपने, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस लाइन में, उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 37। इफ द प्राइस ऑफ केरोसिन बी रेज्ड बाय 11%, ठीक है 11% से रेज कर रहे हैं तो 111 आ जाएगा अपॉन में इंटू 100, ठीक है तो ये बन जाएगा 1100 अपॉन 111, और कट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास लगभग 9.9%, ठीक है 9.9% आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, और अप्रोक्सीमेशन यूज करना जरूर आना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर लगाना, वहां पे अप्रोक्सीमेशन का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन तभी लगाना है अगर आप क्लियर हो उस चीज के लिए, ठीक है जैसे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि 1110, ठीक है 110 × 10 करते तो 1100 आ जाता, बट 110 से हमारे पास थोड़ा बड़ा है तो वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है तो वैल्यू थोड़ी सी छोटी आएगी, तो इतनी छोटी भी नहीं आएगी कि 8.21 बन जाए, और बड़ी तो आनी नहीं है, तो बस अप्रोक्सीमेशन लगाइए वहां पे, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैंने कोई आंसर लिखे हुए हैं मुझे पता है कि ये आंसर आना है, अप्रोक्सीमेशन है तो कभी हो सकता है आप खुद से भी चेक कर लीजिए, अगर ज्यादा नजदीक है तो हमें फाइनल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अगर दूर दूर है तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, बट फिर से वही बोल रहे हो कि अप्रोक्सीमेशन यूज करना भी आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 75 पीपल फ्रॉम अ स्कूल अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन एंड 80% देम पास्ड, अनदर स्कूल एंटर 10 मोर पीपल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जैसे हमने ऊपर किया था, 75 है उनका 80% तो पास हो रहा है, तो 25 3, 25 4, 4 से आ जाएगा 20, यानी कि 60 स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं, तो पहला स्कूल है जिसमें से 75 है 60 पास हो रहे हैं, दूसरा स्कूल है जिसमें से जो स्टूडेंट है वो 8 10 एक्स्ट्रा है, तो मतलब 85 है और पास कितने हो रहे हैं, एंड द फर्स्ट स्कूल द 5 पीपल लेस देन द 5 स्कूल, यानी कि 5 less पास हो रहे हैं, तो यहाँ 60 जो है वो पास हो रहे थे, यहाँ पे कितने होंगे 55 पास होंगे। अब हमसे सेकेंड स्कूल की परसेंटेज पूछी है पास होने की, तो 100% की वैल्यू कितनी है सेकेंड स्कूल के लिए, 85, और पास कितने हो रहे हैं 55, 85 आ जाएगा हमारा यहाँ, 5 से कट करेंगे 5 से आ जाएगा 11, 5 से आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1700 अपॉन सॉरी 1100 अपॉन 17, तो ये आ जाएगा लगभग 7 से कट करेंगे 7 6 102, और आगे जो है करने की सॉल्व जरूरत ही नहीं है बिकॉज 6 की लाइन में हमारे पास एक ही आंसर है डी, तो ये आ जाएगा 64.7%, ठीक है तो फिर से अप्रोक्सीमेशन ही लगा रहे हैं, अगर आप श्योर हैं कि आपने मेथड सही लगाया, और श्योरिटी कब आएगी आप में जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, ठीक है जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से श्योरिटी नहीं आने वाली है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा careerstudydefense.com वेबसाइट पर, वहां पर जाइए प्रैक्टिस सेट होगा वहां पे, और जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैलकुलेट अमाउंट ऑन 1875 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनुअम कंपाउंडेड ईयरली, 1875 रुपीज है, ठीक है पहले साल 4% पड़ा तो 104/100 हो गया, दूसरे साल फिर से 4% पड़ा तो 104/100 हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो फाइनल वैल्यू है, तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन मैं आपको लिखवा देता हूँ, डी ऑप्शन है हमारे पास 2028, ठीक है 2028 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए
पहले तो बहुत ही एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, 676 और 776 ये तो होना नहीं है, बिकॉज 1875 रुपए है, ब्याज भी मिल रहा है, तो ब्याज मिलने से वो ज्यादा ही होंगे ना, और सी ऑप्शन भी कम है। हमारा तो आंसर ही आ गया डी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए होते तो आप ये कर लेते, सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करके भी यही आएगा 2028। ठीक है, फिर से समझ लेंगे। हमारे पास 1875 रुपए थे और कंपाउंडेड हो रहे हैं वो ईयरली, तो 2 साल बाद 4% के हिसाब से कितने बनेंगे? 4-4% लग रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही होंगे ना, और एक्स्ट्रा होंगे तो 1875 से ज्यादा ही आएंगे। तीन ऑप्शन तो 1875 से कम ही है, तो चौथा हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करेंगे हम, बेकार में टाइम वेस्ट करेंगे वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। इफ एक्स वेरीज एज वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 8 व्हेन वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास दिया है कि जो एक्स है वो वेरी कर रहा है एज वाई, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है ना वो वाई के मल्टीपल में है। वाई का कुछ मल्टीपल रख लीजिए, के रख लीजिए, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, कुछ भी, लेकिन वाई को कुछ मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ रही है। फिर वो बोल रहा है कि जब एक्स 8 है, ठीक है, तो वाई वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है। ठीक है, तो यहां से आप एक सिंपल सी चीज निकाल सकते हो, इस रिलेशन में से के की वैल्यू क्या आएगी? के की वैल्यू आएगी एक्स अपॉन वाई, यानी कि 8/15, बस यही वैल्यू याद रखनी है। अब यहां से हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जब वाई 10 होगा, तो एक्स की वैल्यू होगी वाई इंटू के, तो y इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी दी रखी है दूसरी बार? 10, और k की वैल्यू कितनी है? 8/15, तो 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 16/3 आ गया आंसर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 40 में 16/3, 8 2 जा 16/3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वेरीज जो हो रहा है, वेरी हो रहा है वो वाई के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के मल्टीपल में आ रही है, और जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू जो है वो x के मल्टीपल में आ रही है, x इंटू के, तब भी आंसर वही आएगा। k की वैल्यू निकाल लेनी है और दूसरे में वो पुट कर देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अ सम ऑफ आर एस 10,000 इज लेंट पार्शियली एट 6% एंड द रिमेनिंग एट 10% इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, पहला है हमारे पास 6% का और दूसरा है हमारे पास 10% का, एवरेज आ रहा है 9.2% का, तो वहां से हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो आ जाएगी 10 में से 9.2 माइनस करेंगे 0.8 आ जाएगा, और 6 और 9 में 3.2 आ जाएगा, तो 8 चौका 32, ये आ जाएगा हमारे पास 1:4, यानी कि ये 1x है तो ये 4x है। तो सम कितना है, यानी कि दोनों को अगर ऐड करेंगे, दोनों जो हमारे पास अमाउंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, जो हमारे पास यहाँ टोटल वैल्यू है, यानी कि 10,000। ठीक है, तो हमने बताना है कि 10% पर कितना अमाउंट दे रखा है हमने, 10% पर दे रखा है हमने 4x, तो 4x फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000। ठीक है, सॉल्व करेंगे अगर इसको, बिकॉज 10,000 का फोर्थ पार्ट कितना आएगा, 5 से आ जाएगा ये 2000, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। अब इसमें हमें दिया है एन आर्टिकल कॉस्ट आर एस 50 प्रेजेंटली, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 300%, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर्स। देखिए, फिलहाल जो है 50 रुपए है किसी आर्टिकल का कॉस्ट, और जो इन्फ्लेशन है ना वो 300% हो रहा है, मतलब हर साल जो है वो 300% जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 रुपए इस टाइम में, अगले साल हो जाएगा 300% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो 300 की जगह अब कितना बन जाएगा, 100% से, मान लो 100% की वैल्यू 50 है, तो 50 रुपीज है, कंपाउंडेड का बन रहा है, बिकॉज हर साल 300% इंक्रीज हो रहा है। तो 50 रुपए हैं, पहले साल 300% इंक्रीज हुए मतलब 400/100, दूसरे साल फिर से 300% इंक्रीज हुए मतलब 400/100। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, और ये बन जाएगा 800 रुपए, तो 800 रुपए बन जाएगा उनका जो टोटल प्राइस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, और
ट्रिक जो है हम ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक और लेंथी वे में क्या डिफरेंस होता है कि कुछ क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी ट्रिकी वे से बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप कुछ ऐसे ट्रिक यूज कर रहे हो कि हर क्वेश्चन में अलग ही ट्रिक बना दिया, तो वो बेनिफिट नहीं है, वो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि आप अगर ट्रिक का यूज कर रहे हो तो पूरे के पूरे एक होल टॉपिक में एक ही ट्रिक का, ठीक है, मतलब एक ही कोई आपने डेफिनेट ट्रिक बना रखा है। जैसे हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड और 100% ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो हम 100% और यूनिटरी मेथड को हर कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है, जहां पे नहीं भी लगना है वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि लग जाए, बिकॉज हमने प्रैक्टिस ही उस चीज की करनी है। तो जब आप एक मेथड को परफेक्ट बनाओगे तब जाकर, ठीक है, जरूरी नहीं है आपने ट्रिक यूज करने हैं। जिनको ट्रिक नहीं पता वो क्या एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है। हालांकि ये होता है कि जो हर क्वेश्चन में अलग ही ट्रिक लगाते हैं वो एग्जाम क्लियर करने से रह जाते हैं, तो हम वही बता रहे हैं आपको कि हर क्वेश्चन में सेम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लगा रहे हैं, बिकॉज मैंने देखा है आजकल चला हुआ है आपको एक वीडियो में दो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, दोनों में अलग अलग ट्रिक होते हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं, तो उन चीजों से बचिए, ठीक है। हाँ, ऐसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पे पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं आपको, जहां पे आपको ये बता रहे हैं कि इसी वे से होगा पूरा। अब वैदिक मैथ हो गया या कुछ और हो गया जिसमें आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिए, उस क्वेश्चन को आप ऐसे कीजिए, तो मैं, क्योंकि आप जो हैं यहाँ पे जुड़े रहते हैं बहुत अच्छी तरह से और काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, फैमिली भले ही छोटी हो लेकिन काफी ध्यान से चले हुए हैं, तो मैं इन चीजों से आपको अवॉइड करने को ही कहूंगा कि ऐसा ना करें कि हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक यूज हो, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, बाद में समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज करना है, या तो ट्रिक ही याद करने पड़ेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज ग्रोसेस एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम्स फॉर ईच किलोग्राम, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो ये क्वेश्चन हमने पहले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हुआ है आपको। देखिए, शॉपकीपर कर क्या रहा है कि वो बोल रहा है कि मैं तो जितने में खरीद रहा हूं ना उतने में ही बेच रहा हूं, ठीक है, और बोल तो दिया उसने कि जितने में खरीदा है मैंने उतने में ही बेच दूंगा, बट वो कर क्या रहा है कि जहां पे 1 किलो था वहां पे वो 900 ग्राम की जो मेजरमेंट्स हैं वो यूज कर रहा है, तो हमने बताना है कि वो कमा कितना रहा है, बिकॉज वो 100 ग्राम तो बचा रहा है ना हर एक में, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, अब 100% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि टोटल जो वो खर्च कर रहा है वो 900 ग्राम खर्च कर रहा है और कमा कितना रहा है वो 100 ग्राम, तो बस यही यूज कर देंगे। टोटल जो उसका खर्च हो रहा है वो 900 ग्राम यूज हो रहा है, खर्च हो रहा है, और जो बचा रहा है प्रॉफिट कितना है 100 ग्राम का है, तो 900 हमने कट किया यहां से, नीचे आ गया 00 से 00 कट हो गया, 100/9, तो ये आ जाएगा 100/9, बी ऑप्शन में 100/9 नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44, अ मैन परचेज्ड अ बुल कॉक एंड अ कार्ट फॉर RS 1800, ही सोल्ड द बुल कॉक बुलॉक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द कार्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, हिज टोटल प्रॉफिट वाज 155/6%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुलॉक। देखिए, उसने जो है एक बैलगाड़ी खरीदी एक तरह से, ठीक है, जो बैल था वो उसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया और जो गाड़ी थी वो उसने 30% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो हमने बताना है कि एक्चुअल में वो हमने बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुलॉक कितनी है, ठीक है, जो पूरा का पूरा खरीदा है ना उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, नहीं ओनली बुलॉक की बतानी है, ठीक है, कार्ट की नहीं है, जो वो पीछे जो बांधा होता है उसकी नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ बुलॉक की पूछा है। तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में आपके लिए बेस्ट मेथड क्या रहेगा, देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है कि दोनों चीजें उसने 1800 रुपए में खरीदी हैं, ठीक है, और इस एक को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को उसने 30% के लाभ पर बेच दिया और टोटल प्रॉफिट है 155.6%, तो हम इसको परसेंटेज में उसी तरह से डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो एक हमने फाइंड करनी है, 155/6 का है टोटल प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट, तो 6 से कट कर लेंगे इसको, 6 से आ जाएगा 6 2 जा 12, 3 5, 6 5 जा 30, 5 0, 6 8 जा एंड 6 3, तो यही आएगा 25.833। अभी आगे चलता रहेगा ये, तो हम इसको मान लेते हैं 25.833 को मान लेते हैं कि ये हमारा एवरेज आ गया। अब देखिए, मान लो 20% वाला ये अमाउंट है ब्लॉक का और कार्ट का है 30% वाले प्रॉफिट का, और एवरेज आ रहा है इनका 25.83%,
ठीक है, यहां से रेशियो निकालेंगे कॉमन, 30 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग आ जाएगा ये 4.17%, और ये कितना आएगा 5.83। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रेशियो क्या आएगी इनकी, 4.17/5.83, तो यही बनेगी रेशियो, कट नहीं करते हैं इसको, 5.83 बन गया ये। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट तो ये बनेगा ना जब ऐड करेंगे, ये 417x बनेगा, ये 583x बनेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x, और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1000, तो इसलिए सॉरी 1800, तो 1800 है, 1000x की वैल्यू आ गई। 1800 हमने निकालनी है कि जो बुलॉक है, बुलॉक हमने लिया था 20% वाला, यानी कि 417x वाला, तो 417x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो 417x की वैल्यू क्या आएगी, 1000 को यहां लेकर आएंगे, कट करेंगे तो 00 से 00 कट हो जाएगा, और 5 से आ जाएगा, 9 से आ जाएगा ये, नहीं इसको अगर हम कट करेंगे 2 से आ जाएगा ये 9, 2 से आ जाएगा ये 5, और आगे अगर हम इसको कट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करके 3753/5, कट करेंगे ये आ जाएगा 750 पॉइंट समथिंग, तो 750 आ गया हमारे पास आंसर, आ गया बी। ठीक है, अब मैंने डिजिट ज्यादा क्यों लिए थे, बिकॉज क्लोज क्लोज आंसर थे, 750 था, 800 था, 650 था, 900 था, मतलब आंसर थोड़े क्लोज हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई जो किया मैंने 25.8 तक नहीं लिया, 25.83 तक ले लिया, ताकि आंसर जो है ज्यादा नजदीक आए, तो 750 आ गया प्रॉपरली। तो वही मेथड यूज करना है जो आपको पहले बताया था, और सॉल्व करके आप खुद से भी देख लेंगे एक बार, वीडियो को पॉज करके कि आंसर आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है तो डाउट सेक्शन में लिख देंगे कि ये क्वेश्चन दोबारा करवाया जाए, वैसे ये बेस्ट तरीका है। दूसरे तरीके से आपको ये लेंथी लगेगा, इसमें भी थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट इसमें प्रॉपरली वैल्यू आ रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ अ पर्सन रिपेड ₹22,500 आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ बोरोइंग अ लोन एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड आउट व्हाट अमाउंट डिड ही टेक एज अ लोन। देखिए, जो पर्सन है उसने क्या किया, 22,500 रुपए दे दिए 10 साल बाद, ठीक है, यानी कि 10 साल में 10% के हिसाब से पहले तो उसको कितना पड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा, रेट इंटू टाइम, रेट है 10% का, टाइम है 10 ईयर का, यानी कि 100%, तो 100% अगर सिंपल इंटरेस्ट पड़ा तो अमाउंट कितना हो गया जो उसने रीपे करना था, अमाउंट होता है जो आपका कॉस्ट, जो आपका प्रिंसिपल होता है प्लस जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 100% प्रिंसिपल है, 100% आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो 200% की वैल्यू है ये, 22,500 आपने 100% की फाइंड करनी है, यानी कि आपने प्रिंसिपल बताना है, तो 2 से कट कर देंगे इसको, 2 से 11250, ठीक है 11250, तो 45 का आ जाएगा हमारा 11250। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट में 8 साल में हो रही है 3 गुना, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200%, क्योंकि ट्रिपल हो रही है ना, और हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 20, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 ईयर्स, तो 20 ईयर में कितने टाइम हो जाएगी ये, एक्स टाइम मान लेते हैं, एक्स टाइम ऐसे होगा ना कि 100%, 200%, 300%, 0 से 0 तो वैसे ही कट हो जाएंगी, लेकिन नहीं भी अगर हम कट करते हैं ऐसे रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 × 200/8, 8 से आ जाएगा ये, 8 से 4 से कट कर रहा हूं मैं, 4 से 2, 4 से 5, एंड 2 से आ जाएगा 100, तो 500%। ठीक है, तो अगर एक्स जो है यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, अब ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 100% कम लेते हैं, बिकॉज अगर मान लो कोई सम जो है वो 200% हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100% ही पड़ेगा, अगर 700% हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट 600% ही पड़ेगा, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 500% पड़ रहा है तो वो कितने टाइम हुआ होगा, 6 टाइम हुआ होगा, तो 6 आ जाएगा आंसर हमारा, 6 टाइम्स। ठीक है, अपोजिट था ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड द रिमाइंडर एट अ लॉस ऑफ 2%, इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 400 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। देखिए, हमारे पास है 2/3 और 1/3 में डिवाइड किया हुआ है,
ठीक है, 2/3 अलग कर दिया, 1/3 जो है वो अलग कर दिया। और जो ये हमारे पास 2/3 है, ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल का जो हमारे पास 2/3 है उस पे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस पे हमें 5% का। और जो 1/3 है, 1/3 पे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉस लिखा है, तो लॉस हो रहा है 2% का। तो अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी अमाउंट के 2/3 पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना बन गया, 10/3। माइनस, माइनस क्यों किया, अगर प्रॉफिट ही होता दूसरे पर तो प्लस करते, अब लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस 1/3 पे उसको लॉस हो रहा है 2% का, तो ये कितना बन जाएगा, 10/3 माइनस 2/3, 8/3%। यानी कि टोटल जो परसेंटेज बन रही है ना प्रॉफिट या लॉस की, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8/3%। बस इस चीज को समझना है कि हमने क्या किया, 2/3 पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है 10/3 बनेगा, 1/3 पे 2% का लॉस हो रहा है तो 2/3 बनेगा। दोनों को हमने माइनस कर लिया क्योंकि ये दूसरा लॉस है, तो 8/3 का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। अब 8/3 की वैल्यू कितनी है, 8/3 का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना है, 400 है, तो 8/3 की वैल्यू आ रही है 400, हमने निकालनी है 100% की, कि 100% कितना आएगा, 8 आ जाएगा आपका यहाँ नीचे और 3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से, आ जाएगा आपके पास 50, तो ये आ जाएगा 5000 × 3, 15000। 15000 जो है वो एक्चुअल कॉस्ट होगी, उस जो वैल्यू हमें दी है, कंसाइनमेंट हमें दिया है उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इन थ्री एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ विच एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ईच वाज 500, अ स्टूडेंट स्कोर्ड एवरेज मार्क्स 45% एंड 55% इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ईयरली एग्जामिनेशन रिस्पेक्टली। टू स्कोर 60% एवरेज टोटल मार्क्स, इट इज नेसेसरी फॉर हिम इन थर्ड ईयरली एग्जामिनेशन टू स्कोर डैश मार्क्स। देखिए टोटल जो पेपर है ना वो 500 नंबर का बनेगा, तो 500 में से उसको एवरेज में कितना लेना है, 60% लेना है, यानी कि 500 में से उसको लगभग जो है नहीं, ईच वाज 500 है, मतलब हर पेपर जो है वो 500 500 नंबर का है, तो तीनों पेपर कितने, तीनों साल के पेपर बनेंगे 1500 नंबर के, 60% का उसको स्कोर करना है, तो 1500 का 60% कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 900, यानी कि 1500 में से उसको 900 का स्कोर करना है। ये तो हमने पहले अपने लिए फाइंड कर लिया कि उसको स्कोर करना है कितना एक्चुअल में। अब हमें दिया है कि 55% और 45% तो वो पहले दो पेपर में स्कोर कर चुका है, तो यानी कि पहले पेपर में 500 में से उसने 45% स्कोर किया, तो कितना बना ये, तो ये बन जाएगा 5 5 जे 25, और 5 4 जे 20 + 2 22, 225 उसने पहले पेपर में स्कोर कर लिया है, और दूसरे पेपर में 55%, यानी कि दूसरे पेपर में उसने 5 5 जे 25, 5 5 जे 25 + 2 20 775 स्कोर कर लिया है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 + 5 10, 7 2 9 + 1 10, 2 2 4 + 1 5। अब 500 तो उसने दो पेपर में स्कोर कर लिया है, तो अब तीसरे में कितना स्कोर करना है, 400 स्कोर करना है, ताकि उसका जो एवरेज कितना बन जाए, एवरेज उसका आ जाए 60% का, ठीक है। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे आप, इससे ज्यादा सीधा सीधा तो क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। और एफकेट के एग्जाम में टाइम काफी होता है, बस आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। हमें कहा है, अ टॉवल वाज 50 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हेन ब्लीच इट वाज फाउंड टू हैव लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेड्थ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया। तो हमें कहा है कि जब ब्लीच कर रहे हैं ना, तो टॉवल जो है वो 20% लेंथ में डिक्रीज हो जाता है, 10% वो ब्रेथ में डिक्रीज हो जाता है, हमने बताना है परसेंटेज डिक्रीज कितना हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा आपने ये नहीं करना है कि आप इसमें 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर में कुछ कर रहे हो, इसका आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ नेट इफेक्ट लगाना है, लेंथ कितनी डिक्रीज हो रही है, 20%, मतलब अब कितनी रह जाएगी, 80%, और ब्रेथ कितनी डिक्रीज हो रही है, 10%, मतलब अब कितनी रह जाएगी, 90% अपॉन 100। तो 0 0 कट हो गया, हमारे पास आ गया 72, पहले होता है 100%, अब रह गया 72, तो कितना डिक्रीज आया, 28% का, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। अ मैन डिपॉजिट अ टोटल सम ऑफ 88,400 इन द नेम ऑफ हिज टू सन्स एज 99 एंड 17 ईयर, सो दैट एट द एज ऑफ 21 बोथ विल गेट इक्वल अमाउंट्स।
इफ द मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनुअम व्हाट आर द शेयर्स ऑफ हिज टू सन्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अब करेंगे कैसे हम, हमें सिंपली उन्होंने कहा है कि 88,400 रुपए हैं और दो बच्चे हैं जो 19 साल के और 17 साल के हैं, दोनों ही जब 21-21 साल के हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही 21-21 साल के जब हो जाएंगे तो उनको बराबर पैसे देने हैं। अगर 88,400 रुपए जमा करवाए थे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो जब वो 21-21 साल के हो जाएंगे तो उनको कितना शेयर मिलना है अगर दोनों को बराबर शेयर मिलना है। देखिए सबसे पहले तो 88,400 रुपए हैं, दो भागों में बांटने हैं, मतलब अगर एक को एक्स रुपए मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 88,400 - x। अब ये तो अलग अलग अमाउंट है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो उनको अलग अलग मिलना चाहिए, बिकॉज एक 19 साल का एक 17 साल का है, 19 साल वाले को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, वो बहुत ही जल्दी जो है वो 21 का होने वाला है, और 17 वाले को थोड़ा कम देना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़े टाइम बाद होगा 21 का भी। लेकिन हमें यहाँ पे कहा क्या है कि जब वो 21 के हो जाएंगे तो उनको बराबर मिलेगा अमाउंट, जब 10-10% जो है उनका शेयर रहेगा, हर साल जो है 10% उनको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी बट देखिए किस तरह से करेंगे हम। हमारे पास है जो ये वाला पर्सन है जो एक्स वाली एज का है, हम मान लेते हैं कि एक्स वाली एज वाला है 19 साल वाला, तो एक्स इसका प्रेजेंट का शेयर है, 10% अगले साल मिलेगा तो 110/100, 10% अगले साल मिलेगा 110/100 इज इक्वल टू, ठीक है, जो इसका दो साल का 10-10% के हिसाब से बनेगा वो इस दूसरे जो बच्चा है 88,400 वाला माइनस एक्स, ठीक है, 88,400 माइनस एक्स, इसको पहले साल 110 बनेगा, दूसरे साल 110 बनेगा, ठीक है, तीसरे साल 110 बनेगा और चौथे साल भी 110 बनेगा। कट कर लेंगे जो कट हो रहा है, जीरो से जीरो कट हो रहा है, जीरो से जीरो कट हो रहा है, यहाँ पर भी जीरो से जीरो, फिर जीरो से जीरो कट हो रहा है, जीरो से जीरो कट हो रहा है एंड जीरो से जीरो कट हो रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 11 × 11 121x/100 इज इक्वल टू 88,400 - x इंटू 121/100 इंटू 121/100। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 121/100x इज इक्वल टू 88,400 इंटू 121/100 इंटू 121/100 माइनस एक्स इंटू 121/100 इंटू 121/100। देखिए अभी हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, आपको तीन लाइनें तो दिख रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितना लेंथी हो गया, लेकिन क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, अभी हमने किया ही कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो से जीरो कट किया है, बाकी तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कि हर साल 10-10% इंक्रीज होगा तो 110 बनेगा, अभी कट नहीं किया हमने कुछ भी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल मत लेना इसको जितना ये दिख रहा है सामने। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में हम, ये देखिए इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, बिकॉज एक्स लगा हुआ है इनके साथ, तो ये बन जाएगा 121/100x प्लस, क्योंकि माइनस है इस तरफ आकर प्लस होगा, 121/100 इंटू 121/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, उस तरफ कितना है 88,400 इंटू 121 इंटू 121 अपॉन 100 इंटू 100। देखिए अब यहां पर क्या बनेगा, 121/100 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच, एक्स भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 121/100, ठीक है, यही बचेगा। अब मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा जो मेरे पास आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 121x इंटू 221/100 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी, उस तरफ 88,400 तो पहले से है, ठीक है, 121 भी है, फिर से 121 भी है, अपॉन में 100 भी है, अपॉन में 100 भी है, इन वैल्यूज को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा, 221 into 121 तो कट कर लेंगे इनको, 100 से 100 कट हो गई ये, और 121 से 121 कट हो गया, 221 से कितना आ जाएगा ये 400, ठीक है, और 400 इंटू 121, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 1 = 4 00 है, 48,400। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48,400। देखिए कैलकुलेशन लेंथी है बट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ ही दो, ठीक है, ट्राई कीजिए, बस एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से इंक्रीज होती जाएगी,
छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, बहुत इजी है ये। किया कुछ नहीं, बस हमने लास्ट में कट किया जाके, वो भी 421 से 884 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 150। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स एक्स परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। हमें क्या कहा है कि एक जो सम है ना, जो टोटल, वो 150 है बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है, 150 है टोटल। उसमें से अगर बॉयज एक्स हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, बॉयज अगर एक्स हैं तो गर्ल्स होंगी 150 माइनस एक्स। फिर हमें एक और चीज कही है उन्होंने कि जो 150 माइनस एक्स ये गर्ल्स है ना, 150 माइनस एक्स वो कितना बन रहा है, टोटल का एक्स परसेंट। ये उन्होंने खुद कहा है, 150 माइनस एक्स जो ये गर्ल्स हैं वो गर्ल्स हैं कितना, टोटल का एक्स परसेंट। तो यहां से कट कर लेंगे, जीरो से जीरो कट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15x/10। तो 10 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1500 माइनस 10x इज इक्वल टू 15x, और 25x की वैल्यू आ जाएगी 1500। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, एक्स बॉयज हैं तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1500/25 कितने आ जाएंगे, 60 बॉयज आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52। ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, एंड बी स्कोर 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन द दोज रिक्वायर्ड टू पास, व्हाट इज द पास परसेंटेज। देखिए हम मान लेते हैं ये है हमारे पास पास परसेंटेज, एक बच्चे के आ रहे हैं 30%, ठीक है, 30% आ रहे हैं, तब वो फेल कितने नंबर से हो रहा है, 15 नंबर से फेल हो रहा है वो। एक बच्चे के आ रहे हैं 40%, तब वो पास कितने नंबर से हो रहा है, वो हो रहा है पास 35 नंबर से, ठीक है, बस इतना सा काम था हमारा। अब हमने बताना है कि पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए। अगर हमें या तो इन 15 नंबर की वैल्यू पता चल जाए कि 15 नंबर जो है वो कितने परसेंट बनते हैं, तो हम 30% में वो जोड़ लेंगे, पास परसेंट आ जाएगा। या हमें 35 नंबर का पता चल जाए कि 35 नंबर कितने परसेंट बनते हैं, हम 40% से वो माइनस कर लेंगे, हमारा पास परसेंट आ जाएगा। तो पहले तो हमें यूनिटरी मेथड यूज करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल परसेंट कितना बन रहा है, ये है 30%, ये है 40%, यानी कि 10% बन रहा है। और यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर कितने बन रहे हैं, 15 नंबर ये हैं, 35 नंबर ये हैं, 50 नंबर बन रहे हैं। इसका मतलब है 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमने बताना है, हमने क्या बताना है कि ये 15 की वैल्यू कितनी आएगी परसेंट में, बिकॉज जब हम 30% में ये 15 नंबर जोड़ेंगे ना परसेंट वाले, तो हमारे पास परसेंट मिल जाएगा। तो हम सीधा सीधा 15 की वैल्यू निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा यहां पर, 10 से आ जाएगा 5, 5 से आ जाएगा 3, यानी कि 15 जो है ये 3% बन रहे हैं। 30% उसके पहले आए थे, अगर 3% और आ जाते तो वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 33% नंबर चाहिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ बैंकर लेंड 6000 एट 10% एंड 5000 एट 12% एट द सेम टाइम एंड फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। द बैंकर रिसीव्ड 24,000 as total interest on both loans. Find the period for which the bankers had lent the amount. देखिए इसमें जो है, अब सिंपल सिंपल सी बात है कि एक बैंकर जो है वो 6,000 रुपए 10% के हिसाब से दे रहा है और 5,000 रुपए 12% के हिसाब से दे रहा है, सेम टाइम एंड फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, सेम टाइम में दे रहा है वो, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बाद में क्या हुआ कि उसको 2,400 रुपए ब्याज के मिल गए। हमने बताना है कितने टाइम के लिए दिया होगा। देखिए 6,000 रुपए हैं, ठीक है, 6,000 रुपए पे 10% का कितना बनेगा, 600 एक साल का, ठीक है, और 5,000 रुपीज है, इस पर 12% कितना बनेगा, 600 एक साल का, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि 600 इंटू इंटू नंबर ऑफ टी टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए उसने दिया था ये, प्लस 600 इंटू नंबर ऑफ टी टाइम, यानी कि इसने भी कुछ साल के लिए रखा, इसने भी कुछ साल के लिए रखा, टोटल बन गया हमारे पास 2,400 रुपए। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 1,200 टी आ जाएगा 2,400, तो टी कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 साल के लिए दिया होगा उसने, प्रॉपर 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अ सम ऑफ सम बिकम्स डबल इन 16 ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी इन 8 ईयर्स।
ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स बताना है हमने। अब हमें ये नहीं गिवन है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जहां पर इस तरह की कंडीशन आएगी आपके पास कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो नहीं दिया है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। आपको दिया है कि 16 साल में वो 2 गुना हो रहा है, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 100%। ठीक है, हमने बताना है 8 साल में कितना मिलेगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 800 बटा 1600। ठीक है, कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 टाइम हो जाएगा। एक्स साल में वो 1/2 टाइम जो है, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं 50%, 1/2 का मतलब क्या आएगा, 100/2, 50% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 8 साल में। तो 50% जब जोड़ लेंगे 100 में तो कितना बन जाएगा, 150%। और 150% कितना होता है, यहां से आप निकाल लीजिए 150%, तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 2 + 1, 3/2, 3/2 होता है 150। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 1/2 टाइम्स। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसमें लग रहा हो कि ये 1 × 1/2 कैसे आएगा, देखिए 1 की वैल्यू है 100%, यानी कि जो 1 टाइम होता है वो 100% है, तो 150 कितना बनेगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, 5 2 10, 5 3 15, तो ये 3/2 आ गया, और 3/2 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से करना था हमने ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 800 एट 10% पर एनुअम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम्स 926.10 रुपीज। ये क्वेश्चन कमेंट में भी आया था, तो देख लेंगे इसको किस तरह से करना है हमने। हमें ये कहा है कि 800 रुपए जो है वो 10% के हिसाब से 926 रुपए 10 पैसे कब हो जाएंगे, अगर वो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहे हैं, मतलब हर 6 महीने बाद कंपाउंड हो रहे हैं। देखिए रेट जो हमें गिवन है ना, रेट हमें 10% गिवन है, लेकिन वो पर ईयर है, हर साल 10% है, तो सेमी एनुअली कितना होगा, सेमी एनुअली के लिए होगा 5%। तो अब देखिए 800 रुपए है, पहले साल कितना मिला उसको, पहले साल मिला उसको 10%, 5%, क्योंकि पहले 6 महीने की बात हो रही है, पहले 6 महीने में वो 105% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 × 5 = 40, और 8 1 = 8 = 840। ठीक है, अब अगले 6 महीने में 840 पर फिर से लग जाएगा, 6 महीने हो चुके हैं, 6 मंथ हो चुके हैं, 840 पे फिर से 105/100, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से आ जाएगा 2, 5 से आ जाएगा 5 2 = 10, और 5 1 = 1, 2 से आ जाएगा ये 2 2 = 4, सॉरी 2 4 = 8, 2 2 = 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे 42 1 = 42, एंड 42 2 = 84, 84 + 4 = 88, 882। अब 6 मंथ और जुड़ गए। ठीक है, अब फिर से देखिए 882 पर निकाल लेते हैं 105%, तो ये कितना बन जाएगा, अगर इसको कट करेंगे, इसको अगर कट करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 926.10, तो ये आ रही है प्रॉपर वैल्यू, यानी कि 800 जो है, यानी कि 6 मंथ और जुड़ गए इसमें, 800 926 कब हुआ, 3 बार जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 6 6 मंथ के हिसाब से, तो मतलब 1 2 3, तो हमें जो है कितना टाइम लग गया, 1.5 साल लग गया, 1 × 1/2, बी ऑप्शन आ जाएगा, 1.5 साल में होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ए सेल टू टीवी सेट्स वन एट अ लॉस ऑफ 5% सॉरी 15% एंड अनदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। तो हमें क्वेश्चन इस तरह से है कि टू टीवी सेट है, एक को उसने बेच दिया 15% के लॉस पर और दूसरे को उसने 15% के गेन पर। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है कि एक टीवी 15% के वो लॉस पर बेच रहा है, दूसरा टीवी वो 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं, आपने हमेशा याद रखना है। अगर कंडीशन है कि ये जो दोनों टीवी हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, यानी कि जितने में खरीदा है ना, एक को खरीदा है उतने में दूसरे को खरीदा है, अगर ऐसा होगा यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है तो वहां पे, और प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल इक्वल हो रहा है, तो वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, वैसे यहां पे वो दिया नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर वो कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि दोनों ही टीवी बराबर बराबर पैसों में खरीदे हैं हमने,
और प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है जितना लॉस हो रहा है, तब वहां पे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो वहां पे लॉस होगा। लेकिन अगर इनका कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगा तो आपने नेट इफेक्ट लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। और अगर हम ये मानते हैं कि अलग अलग वैल्यूज पर खरीदा है, तब हम क्या करते हैं, 85 × 115/100, तो ये लगभग आता है 97.75, तो 2.25% का लॉस होता, ठीक है? 2.25% का लॉस हो जाता है, तो ये आंसर आना था। तो ये डिपेंड करता है अब क्वेश्चन किस तरह से सेट किया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर उन्होंने कहा है दोनों ही सेम प्राइस पर हैं तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन अगर अलग अलग प्राइस पे है तो ये आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 है, द प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीजेस बाय 20% ड्यू टू फेस्टिव सीजन, सो व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ सुगर सो दैट द देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो सेम फिर से वही करेंगे, ठीक है? इंक्रीज हो रहा है पहले तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए इंटू 100, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना इंक्रीज हो रहा है वो 20%, तो 20 अपॉन 100 प्लस 20 120 इंटू 100, ठीक है? तो 20 से आ जाएगा 6, 3, 2 से 3, 2 से 50, तो 50/3, तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 × 2/3%, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी, बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो देखिए अब किस तरह से हमने इसको करना है, ए की जो सैलरी है वो बी से लोअर है, कितनी, 20% लोअर है, और जो 15% कम है सी की सैलरी से, ठीक है? देख लेते हैं किस तरह से करेंगे हम इसको। तो यहां पर अब तीन लोग हैं ए, ठीक है, ए बी और सी, हमें ये कहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से 20% कम है, बी की सैलरी है वो सी की सैलरी से 15% कम है, तो अगर हम सी को लेकर चलें, सी को हम 100% मान लें, तो बी की सैलरी सी से 15% कम है यानी कि 85% है, और ए की सैलरी बी से 20% कम है, तो 85 का 20% कितना आएगा, यानी कि हम 85 का 80% निकाल देते हैं, क्योंकि 85 अगर 100% है तो ए की वैल्यू 80% ही रहेगी, 20% कम होगी, तो 85 का 80% निकाल देते हैं हम अपॉन 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 5, 5 से आ जाएगा 17, 68%, ठीक है? अब ध्यान से देख लेंगे, ए बी सी है, सी को अगर हम 100% मानते हैं, बी सी से 15% कम है, तो 100 का 15% 15 ही होता है, इसलिए 85 आ गया, और ए बी से 20% कम है, तो 85 का 20% कितना बनेगा, 17, तो 85 माइनस 17, 68। अब देखिए हमसे पूछा है कि ए जो है वो सी से कितना कम है, तो ए सी से कितना कम है, 32 कम है, ठीक है? तो हमने 32 की वैल्यू निकालनी है, 32% की निकालनी है। देखिए 100% है हमारे पास 68, अब यहां से परसेंटेज हटा दीजिए, बस इनको 68, 85 और 100 मानिए, 100% की वैल्यू है 68, हमने निकालनी है 32 की वैल्यू, तो 68 आ जाएगा हमारा यहाँ, और कट करेंगे अगर तो कट करके देखना है आपने, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 47.05%, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे अलजेब्रा के, एंड होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हमारा एक चैप्टर और रहेगा टाइम स्पीड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का, जिसमें हमने वो क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद हमारा जो मैथ सेक्शन है वो कवर हो जाएगा, और रीजनिंग हम कर रहे हैं, रीजनिंग की लाइव क्लासेस जो है वो लग रही है आपकी, और इंग्लिश एंड जीके का देख रहे हैं, जीके में हमने करंट अफेयर कर लिया हुआ है, तो इंग्लिश में कुछ करना है अभी, ताकि हमारा जो स्कोर है वो अच्छा रहे। तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।